जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ़ हो जाती है। जैसे ही आप कान से लगाते हैं तो आपकी जो स्क्रीन ऑफ़ हो जाती है। अगर आप कान से भी नहीं लगाते हैं तब भी आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ़ हो जाती है। अगर आपको भी कुछ इस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो कहीं जब भी आप किसी को भी कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ़ हो जाती है, कान पे लगाते हैं या कान पे नहीं लगाते हैं तब भी ऑफ़ हो जाती है। तो गाइस ये ना आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है, ये इसलिए होती है जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और आप जब आप कान पे लगाते हैं तो आपका कान जो है टच ना हो जाए किसी भी बटन से, जिससे कोई भी और फंक्शन स्टार्ट हो जाए। जैसे कि अगर कान से लग गया तो आपकी जो कॉल भी है वो कट सकती है, कान लग गया तो फ़ोन भी होल्ड हो जाता है, इस वजह से आपकी स्क्रीन जो है ऑफ़ हो जाती है। और ये सब काम होता है प्रॉक्सिमेटली सेंसर की वजह से। ये किस तरह से काम करता है, जब भी आप कॉल कर रहे होते हैं तो प्रॉक्सिमेटली सेंसर यहाँ पर होता है, उसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ़ हो जाती है। ऐसे में अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं और आप कान से लगाए हुए हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ़ हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि कई बहुत सारे लोग का जो है वो कान से भी नहीं लगाते हैं फ़ोन, फिर भी जो है स्क्रीन ऑफ़ हो जाती है। तो इसका ये भी वजह हो सकती है कि सही से टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया हो या अप्रॉक्सीमेटली सेंसर पे कोई भी डस्ट लगा हो, इस वजह से भी वो बंद हो सकता है। तो ये तो हमें पता चल गया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली सेंसर की वजह से ये जो है प्रॉब्लम आती है, आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ़ हो जाती है कॉल के समय पे। अप्रॉक्सीमेटली सेंसर तभी काम करता है जब आप किसी से कॉल करते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो अब आप इससे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए ना एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉल सेटिंग में जाना है। इसके लिए अब आपको नीचे जाना है, नीचे ऐप्स में जाना है, और ऐप्स में जाने के बाद सिस्टम ऐप्स में जाना है। उसके बाद आपको जाना है कॉल सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनकमिंग कॉल सेटिंग। आपको क्या करना है, इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स। तो गाइस जैसे आप इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली सेंसर। तो आपको क्या करना है, आपको इस ऑप्शन को बंद कर देना है, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। गाइस मुझे ये बंद नहीं करना है, ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके साथ कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली सेंसर को जो है बंद कर देना है, जिसके बाद आपकी जो है प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो गाइस ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये किसी और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद भी हो सकता है। आपको ये पसंद नहीं है, आपका जो है स्क्रीन ऑफ हो जाता है, तो आप इस सेटिंग को कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेंसर को जो है आपको यहाँ से बंद कर देना है, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई होगी इस वीडियो के देखने के बाद।